मैं कहने जा रहा हूँ उस पे एक हाथ उठना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जो अब राज्यसभा सांसद है, लेकिन उससे पहले वो एक बड़े शायर भी है। मगर इन दिनों इमरान की शायरी उन्हीं के गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, और अब एक वायरल वीडियो ने इमरान को भी वायरल कर दिया है। अरे ईमान वालों, जुल्म को ललकार कर मरना, कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो चार छह को मार कर मरना, अगर मरना पड़े तो चार छह को मार कर मरना। इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो कम से कम 3 साल पुराना है, लेकिन इसे वायरल किया है असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने। इमरान के इस मरने मारने वाली शायरी को शेयर करके सीएम हिमंता ने लिखा, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही जनता ने कांग्रेस को राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का भी चाकू वाला बयान वायरल हुआ था, जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था, एक बम ब्लास्ट की आरोपी जमानत पर रिहा भाजपाई सांसद जनता को चाकू तेज करने की सलाह दे रही है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी सुन रहे हैं या नहीं? देश बाला साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या चाकू से चलेगा? लेकिन अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक शायरी पोस्ट कर उन्हीं को वायरल कर दिया है। इस शायरी में मरने मारने की बात है। वीडियो पुराना तो जरूर है, लेकिन इस पर भड़का हुआ विवाद नया है।